श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। भगवानपुर के चमुंडा मैदान में किया गया दशहरे मेले का आयोजन। मुरादाबाद की नगर पंचायत भगवानपुर के चमुंडा मैदान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में लगाया गया दशहरा मेला देखने वालों का उमड़ा जनसैलाब, जो काफी दूर दूर के गांवों से मेला देखने के लिए आते हैं लोग, जिसमें काफी संख्या में रावण दहन देखने के लिए आते हैं महिलाएं और बच्चे। पूरा दिन चला चमुंडा पर पूजा अर्चना का सिलसिला। मेले की व्यवस्था संभालने के लिए चप्पे चप्पे पर रही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। रात 8 बजे किया गया रावण का दहन, जिस पर कमेटी अध्यक्ष अंशुल गुप्ता से बात करने पर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रहे मेले में पूरा दिन तैनात। मीडिया से बात करने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया, मेले की व्यवस्था देखने के लिए हम लोग मौके पर तैनात हैं। मेले की व्यवस्था संभालने के लिए हमने काफी पुलिस फोर्स की मांग की थी, जो मौके तैनात है। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि सभी लोग प्रेम एवं भाईचारा से मेला देखें। मेले में देखने की बात ये रही कि भगवानपुर का भाईचारा देखने को मिला दशहरा मेले में, क्योंकि काफी संख्या मेला देखने पहुँचे मुस्लिम समाज के लोग। भगवानपुर में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल रहते हैं। यह है भगवानपुर का भाईचारा। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ऐसे परंपरागत मेला है, पता नहीं कितने सौ वर्षों से ये मेला चला आ रहा है, मगर ऑन रजिस्टर 84वां मेला है। बहुत हर्ष का विषय है। आसपास के 100 गांवों के लोग दशहरा वाले दिन भगवानपुर में मेला देखने के लिए, रावण के पुतले का दहन देखने के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत देखने के लिए भगवानपुर में चमंडा मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होते हैं। भगवानपुर वासियों के लिए, भगवानपुर के दुकानदार बंधुओं के लिए, भगवानपुर के रामलीला कमेटी के बंधुओं के लिए, भगवानपुर की आवाम के लिए बहुत हर्ष का विषय है। जनता से अपील करेंगे कि आज बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक दशहरा विजयदशमी का त्यौहार है। कोई ना कोई एक बुराई जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं अपने जीवन में छोड़ के जाएँ। नगर पंचायत भगवानपुर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, समस्त विश्व के लिए मैं एक अपील करूंगा कि कोई भी एक बुराई आज विजयदशमी के दिन आप लोग छोड़ दें। और इंसानियत की भलाई के लिए, प्रभु राम जी की सेवाओं के लिए जितना भी अपना समय, जितना भी अपना तन मन धन लगा सकते हैं लगाएं। मेले के संबंध जो है भगवान राम के आदर्शों पर चलें, और इनके ये है कि रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जो है अपने चरित्र को उत्तम बनाएं और भाई के प्रति प्रेम, जिस तरह से भाई कर राम, भगवान राम के चारों भाइयों ने, ये रामलीला नहीं है बल्कि एक त्याग का सब प्रतीक है। ये जो है भाई ने भाई के लिए क्या किया, क्या माने पुत्रों के लिए, पुत्र भगवान राम ने किस तरह से अपने पुत्र पिता की आज्ञा का पालन किया, ये हमें सब जो है अच्छाइयाँ जो थी भगवान राम ने उन्हें अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए।